दोस्तों, अगर आप भी अपने SBI बैंक का ID और पासवर्ड भूल गए हैं, यानी यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं, इंटरनेट बैंकिंग का अगर पासवर्ड भूल गए हैं या यूजर नेम भूल गए हैं, तो आप सभी को इस पेज पे आ जाना है। ये पेज आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आ सकते हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट यूजर नेम, आप सभी को इस पर क्लिक करना है। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख के आएगा फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। तो सबसे पहले आप सभी को यूजर नेम फॉरगेट कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने कुछ डिटेल आ जाएंगी। ये डिटेल आप सभी के सामने आ जाएंगी, ये जिसमें कि आप सभी का CIF नंबर मांग रहा है, कंट्री मांग रहा है, और यहाँ पे जो है ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है, और ये कैप्चा मांग रहा है। फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, CIF नंबर मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, CIF नंबर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो सारी डिटेल आप फिल यहां पर कर लीजिए। अगर आप CIF नंबर अभी तक नहीं जान पाए कि CIF नंबर कहां मिलता है, कैसे मिलता है, तो उसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ तो आप सभी को कुछ इस तरीके से लोड लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी के मोबाइल पे जाएगा, जो OTP यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। तो यहाँ पर OTP जैसे ही वे यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सबसे पहले OTP जो है देख लेता हूँ। तो OTP जो है इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर लिखा है, तो OTP काफ़ी लंबी है, 790-42-669। तो यहाँ पे 790-42-669, तो यहाँ पे जो है 669। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, 790-42-469 है, सॉरी यहाँ पे 469 है। तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं क्योंकि ये गलत हो गई। उसके बाद आप सभी को कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो है आप सभी के सामने ये आप सभी का यूजर जो नेम है वो आप सभी का आ गया। अब यूजर नेम आ गया है तो आप सभी को है यूजर नेम पता चल गया। यूजर नेम आप कहीं पर लिख लीजिएगा। इसके बाद आप सभी को मैं पासवर्ड भी किस तरीके से रिकवर करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आप सभी को फिर से दोबारा इसी पेज पे आ जाना है। इस पेज का मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक जो है दे दिया है, आप इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉरगेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फॉरगेट पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पहले यूजर नेम आप सभी ने किया था, अब यहाँ पे फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो सारी डिटेल्स आप सभी को फिर से वैसे ही भरनी है। भरनी क्या है कि यहाँ पर जो है आप सभी को सबसे पहले जो है यूजर नेम आप सभी के लिखना है। तो यूजर नेम जो है वो लिख लीजिए, तो जो भी आपका यूजर नेम वो आप लिख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम जो है वो लिख लेता हूँ, तो ये मैंने यूजर नेम लिख लिया। तो उसके बाद यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर आप सभी को लिखना है, तो अकाउंट नंबर आप सभी को आपकी पासबुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्री सेलेक्ट लेता हूँ, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, और सारी डिटेल जो है आप सभी को मिल जाएगी आपके मोबाइल पर, या फिर आप सभी को अपनी पासबुक में चेक कर लेना है, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद फिल करने के बाद आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही सारी डिटेल्स आप सभी ने फिल कर दी, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर बाद आप सभी के पास ये जो इस तरीके से देखेंगे तो एक पासवर्ड जो है वो जाएगा, मतलब वन टाइम पासवर्ड। अब यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आ गया है, आप सभी को यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, देख लेना है। तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड है 971-24-693, तो 971-24-693, 971-24-693, 971-24-693, ये आपने डाल लिया। फिर इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप सभी को यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड जो है चाहिए या यूजिंग ATM कार्ड इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड ब्रांच एक्टिवेशन किस पर आप सभी को करना है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद दोस्तों यूजिंग ATM डिटेल्स पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ कार्ड के पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है लोडिंग लेगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कार्ड अकाउंट कार्ड होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पे अकाउंट की एक्सपायरी डालनी है, पिन डालना है, पिन डालने के बाद ये वाला पिन यहाँ पे डालना है, उसके बाद प्रोसीड पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा, अकाउंट नंबर जो है वेरीफाई किया जाएगा कि आपका ये अकाउंट नंबर सही है कि नहीं और आपके पास इस एटीएम कार्ड की डिटेल है कि नहीं। तो ये सारा कुछ जो है वेरीफाई करने के लिए आपका जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे सारा कुछ जो है डिटेल्स पूछता है, तो आप सभी को अपनी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे ही सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप सभी को एक प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सभी को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आगे का ये इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने लिख के आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पर जो है योर डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और इसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पर रेफरेंस लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको आगे का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म न्यू पासवर्ड आप सभी को क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो है न्यू पासवर्ड आप सभी को डाल लेना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में एक पासवर्ड डालना है और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में दूसरा पासवर्ड डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लीजिए। जैसे ही सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे सबमिट का एक आइकन मिलेगा, यहाँ पर आप सभी को देख लेना है कि इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप सभी जो है कुछ देर का वेट करेंगे और यहाँ पर जो है लिख के आ जाएगा कि आपका जो है फॉर्म जो है सबमिट हो गया है और रीसेट हो गया है। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है पासवर्ड जो है यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब मैं दोस्तों आप सभी को जो है लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इस पेज पे आ जाना है। फिर से यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे यूजर नेम डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ इमेज का जो इमेज है वो ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आप सभी को यूजर नेम भी फॉरगेट करके बता दिया है, पासवर्ड भी फॉरगेट करके बता दिया है और यहाँ पे इमेज का ये भी आप सभी को सामने दिख रहा है। तो सारी डिटेल आप फिल करके लॉगिन पर क्लिक कीजिए। सारी डिटेल फिल कर दी, आप सभी को लॉगिन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सभी लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर में आप सभी देखेंगे कि आपका अकाउंट जो है ये देखिए लॉगिन हो गया। अब वन टाइम यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पूछा जाता है, तो आपके जो मोबाइल पर पासवर्ड जाएगा तो यहाँ पर जो है वन टाइम पासवर्ड ओटीपी होता है, तो 421 430 88 तो 421 यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ पासवर्ड क्या था, 421 430 88 तो 430 88 और पासवर्ड डालने के बाद वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका अकाउंट देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रॉपरली लॉगिन हो चुका है। तो इस प्रकार आप आसानी के साथ अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।